Today, we are going to start chapter 2, microorganisms, friend and foe. What are microorganisms? Microorganisms क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझाती हूँ। आप देखते हैं कि रेनी सीजन में जो ब्रेड होती है, मॉइस्ट ब्रेड, उस पर ग्रीनिश पैचेस बन जाते हैं, देखा आपने, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से यदि हम पोंड की वन ड्रॉप लेकर के और यदि उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं। तो दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू नेम इट इज़ वेरी सिंपल। माइक्रो इट मीन्स स्मॉलेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स इट मीन्स लिविंग क्रिएचर। वेरी स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बाय नेकेड आइज, ओनली कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इन दिस चैप्टर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट टॉपिक we will see different type of microorganisms. Now different type of microorganisms are bacteria, algae, protozoa, fungi and viruses. Now what are bacteria? Bacteria के बारे में अब आप देखिए, bacteria are unicellular microorganisms. Unicellular according to name it is clear, made up by one cell only, single celled organism. They do not have well-defined nucleus. आप जानते हैं जो unicellular organisms होते हैं उनका nucleus well-defined नहीं होता, means no regular shape. Size of bacteria range from 0.2 micron to 100 microns. That is very small, And bacteria are rod-like in shape and also known as rod-shaped bacteria or bacilli. आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियर, दीज rod-shaped bacteria और bacilli. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ microorganism, that is fungi. Now fungi, they appear to be plant but they do not have leaves, roots etc. इसका मतलब ये है कि ये plants पर तो होते हैं लेकिन plants की तरह इनमें roots, leaves वाला system नहीं होता कि roots के द्वारा water को, minerals को absorb करे, leaves के द्वारा अपना food self prepare करे, तो ऐसा इनमें नहीं होता, लेकिन ये प्लांट्स पर अपीयर होती हैं। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स। इनका कलर ग्रीन नहीं होता, जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि डार्क ग्रेइश, ब्लैक, ग्रीन पैचेस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है, प्लांट्स जिस तरह से ग्रीन होते हैं उस तरह से इनका ग्रीन कलर नहीं होता। They are heterotrophic. Heterotrophic का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, for the food depends on other organisms. They cannot prepare their own food. Okay. Now next, for example, bread mold and mushroom are the best example of fungi. यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको ये अम्ब्रेला शेप में दिखाई दे रही है, ये क्या है? मशरूम। आपने देखा होगा कई बार पेड़ के
नीचे इस तरह की वाइट छतरियाँ सी दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम मशरूम बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर इन ऑर्गन इन नेचर, इट इज क्लियर, मीन्स ये भी यूनिसेल्युलर हैं, मेड अप बाय सिंगल सेल ओनली। दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक बॉडीज, अक्सर ये जहाँ पर भी पानी वाली जो जगह होती है वहाँ पर जनरली मिलते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक इट मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना। नेक्स्ट, देयर बॉडी शेप मे बी इरेगुलर, ओवल, स्फेरिकल एट्सेट्रा। तो जो प्रोटोजोआ हैं उनका शेप किसी भी तरह का हो सकता है, आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये ओवल शेप भी हो सकते हैं और ये इरेगुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा इज इरेगुलर शेप एंड पिरामीशियम जस्ट लाइक ओवल शेप। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस। वायरस के नाम से बच्चों डर लग रहा होगा ना, वायरस को देखकर क्या है बहुत डर लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी आप और हम सब घर के अंदर किस वजह से बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से घर बैठे हुए हैं। अब देखिए कि वायरस क्या होते हैं। वायरस एक्चुअल में जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने अभी पढ़े हैं, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनसे थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं और जो वायरसेस हैं इनका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा होता है। केवल इनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख पाते, इन्हें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। वायरस कैन नॉट बी सीन विथ सिंपल माइक्रोस्कोप, टू सी देम ओनली अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विद प्रोटीन शेल। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, नाम सुना है ना आपने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये किसके थ्रू कवर्ड रहते हैं, इनका जो शेल होता है आउटर मोस्ट शेल वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। दे आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, ये हमेशा अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, क्योंकि अपने फूड जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचर, ये लिविंग और नॉन लिविंग किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। जो वायरस है, वायरस से के बारे में वैसे तो अपन डिजीज के बारे में वैसे तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, आपको लग रहा होगा ना कि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हमें जहाँ पर नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, जहाँ खाली जगह दिख रही है, चाहे आपको कोई क्लॉथ हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई अलमीरा हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर।
जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल साफ है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल ठंडी जगह पर भी जहां टेम्परेचर बहुत कम है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग जहां की हम सर्वाइव नहीं कर सकते लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, डेजर्ट जहां पर बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, वहां पर भी लिविंग और वायरस हो सकते हैं, और जो मार्शी एरिया है जहां कीचड़ दलदल पानी, वहां पर भी वायरस हो सकता है। तो वायरस फाउंड एवरीवेयर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी।